साइबर ठगी कर 8 माह से आरोपी फरार चल रहा था। सदर पुलिस के द्वारा आखिरकार उसे ढूंढकर गिरफ्तार किया गया है और दोलीपाल के निवासी के द्वारा सदर थाने के अंदर मुकदमा दर्ज कराया था कि जो आरोपी है वह बाटर बॉक्स में अपना JEN के पद पर नौकरी होने का लोगों को कहकर ठगी कर रहा था और PhD विभाग के अंदर हेल्पर लगाने के लिए वह पैसे ऐड रहा था। 16,000 से ऊपर वह फीस मांगकर ठगी करता था। आखिरकार इस प्रकार कई लोगों को उसने ठगी के झांसे में फंसाया गया और कईयों से उसने रुपए ऐंठ लिए। उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद वह फरार चल रहा था। आखिरकार सदर पुलिस के द्वारा उसे ढूंढ निकाला और 8 माह के बाद फरार चल रहे इस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। वहीं दूसरी और दूसरे शहरों के अंदर भी यह इस प्रकार की ठगी करता रहा है और ठगी करते करते आरोपी हीरालाल ज़्यादातर ग्राम पंचायतों के सरपंचों के नंबरों पर संपर्क करता था। सरपंचों को राष्ट्रीय जल मिशन के तहत बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलवाने का झांसा देकर फार्म फीस जमा करवाकर साइबर ठगी करता रहता था। आखिरकार कई जिलों के अंदर इसने ठगी की है और फिर अब 6 से 8 माह के बीच में जब फरार रहा, आखिरकार सदर पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच चल रही है और ठगी इसने कहां कहां की है, तमाम ऐसी बातों की जांच पुलिस के स्तर से की जाएगी। उसके बाद इसका पूरा खुलासा होगा कि और कितने जिलों के अंदर इस आरोपी ने ठगी की है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।